भगवान उन्हें नहीं रोक सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। और दोस्तों, सरमन जोशी की एक और नई बेहतरीन मूवी जिसका नाम है फौजी कालिंग का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और दोस्तों, उस मूवी में वो फौजी के रूप में नजर आने वाले हैं। वही दोस्तों, इस मूवी में एक छोटी बच्ची की स्टोरी को दिखाया गया है जो कि बचपन में ही अपने पिता जो कि आर्मी में होते हैं उन्हें खो देती है। और सरमन जोशी को अपना पिता मान लेती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सरमन जोशी उसके पिता नहीं है, और उसके बाद उसकी जिंदगी एकदम से बदल जाती है। ऐसे ही कुछ इमोशंस को इस मूवी में बताया गया है। तो दोस्तों, इस मूवी की क्या कास्ट होने वाली है और ये मूवी कब रिलीज होने वाली है, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्टार कास्ट की। तो दोस्तों, इस मूवी में मेन लीड में नजर आ रहे हैं सरमन जोशी, और उनके साथ में आपको नजर आएंगे रांझा विक्रम सिंह भी। इनके अलावा आपको दिखेगी विजिता बाग, और उनका रोल दोस्तों बहुत ही औसम है इस मूवी में। वो दोस्तों आपको शहीद आर्मी मैन की पत्नी के रूप में नजर आएंगी। साथ ही में इसमें मुग्धा गोडसे और जरीना वहाब भी नजर आ रही हैं। काफी समय बाद हम जरीना वहाब को देखेंगे। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं आर्यन सक्सेना। दोस्तों, इस मूवी की सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि ये हमें इंडियन आर्मी के परिवार वालों की सेक्रीफाइसेस को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इसके ट्रेलर को राजनाथ सिंह जी ने रिलीज किया है, जो कि इस फिल्म के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज साबित हो सकता है। वही दोस्तों बात कर रहे हैं सरमन जोशी की। तो दोस्तों, सरमन जोशी अधिकतर कॉमेडी रोल्स या डिफरेंट रोल करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कई समय से वो एकदम सीरियस टाइप से रोल करने लगे हैं। हालांकि उनकी डिफरेंट चॉइसेस की वजह से उनकी फिल्म इतनी ज्यादा चल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी उनकी एक्टिंग दमदार लगती है। उनकी एक्टिंग में कोई भी कमी कभी भी नहीं हुई है, और अब फिर से वो एक बार नए और डिफरेंट रोल के साथ में नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये मूवी कब रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी रिलीज होगी 25 फरवरी को सिनेमा घरों में। तो दोस्तों, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं सरमन जोशी को फिर से एक बार देखने के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।